नमस्कार, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो हाल ही में रिलीज की गई है, जिसमें जो CUET 2021 से रिलेटेड जो भी अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो UGC ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें उसने कब एग्जाम को कंडक्ट कराने की बात की है, कब फॉर्म रिलीज होगा, सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ क्राइटेरिया क्या होगी और कितनी यूनिवर्सिटी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है CUET से रिलेटेड, जो UGC का रिपोर्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो UGC ने रिपोर्ट अपनी जारी की है, इसके लिए UGC ने, आपको बताते चले कि दिसंबर 2020 में ही 7 मेंबर कमिटी बनाई थी और इस 7 मेंबर कमिटी का काम था कि हाई क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हाई क्वालिटी टेस्ट का प्रारूप तैयार करना। तो ये जो 7 मेंबर कमिटी थी, इसमें जो 12th बोर्ड मार्क्स है उसको भी ध्यान में रखा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 12th बोर्ड मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन ले लेती हैं, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे जिनके स्कोर अच्छे नहीं होते हैं वो उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का सपना खो देते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसको भी दूर करने के लिए जो कमिटी है कंसर्न रही है शुरुआत से ही, और इसने जो भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें इसको भी ध्यान में रखा गया है। यानी कि अब जो 12th बोर्ड मार्क्स है, जिसको बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्राइटेरिया माना जाता था, अब वैसा नहीं होने वाला है। तो UGC का ये जो रिपोर्ट है, ये जो 7 मेंबर कमिटी है उसके जो भी सजेशन आए हैं उसी के आधार पे आए हुए हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आने वाले एकेडमिक ईयर यानी कि जो एकेडमिक ईयर आने वाला है उस समय से लेकर ये जो CUET एंट्रेंस एग्जाम है ये साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाएगी, ट्वाइस अ ईयर। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आप साल में 2 बार CUET एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी और आपके जो अच्छी यूनिवर्सिटी पाने की ख्वाहिश होगी वो बहुत ही आसान हो जाएगी, आप आसानी से अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा लेंगे। तो ये है CUET से रिलेटेड जो UGC रिपोर्ट है उसकी खास बात। और इसके साथ ही एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, वो ये है कि इस बार टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बात करें तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में जो उच्च सचिव हैं UGC के, उन्होंने ये कहा है कि जो इस बार का जो CUET एंट्रेंस एग्जाम होगा वो सिर्फ एक बार ही होगा। तो आने वाले समय में भले ही एंट्रेंस एग्जाम 2 बार हो लेकिन इस बार केवल एक ही बार होगा। तो ये है UGC रिपोर्ट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है। अगली हम बात करते हैं कंडक्टिंग बॉडी। तो कंडक्टिंग बॉडी, आपको बता दें कि इस बार जो कंडक्टिंग बॉडी है अब NTA एग्जाम को कंडक्ट कराएगी CUET को, यानी कि जो नीट वगैरह बाकी बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराती है NTA, वही कंडक्टिंग बॉडी CUET को भी कंडक्ट कराएगी। और इसमें 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, ये है इस एग्जाम की विशेषता। और ये जो 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी उसमें जो मेजर यूनिवर्सिटीज है वो है BHU, JNU, DU और बाकी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो कि इस CUET एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया अवसर है अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो सिलेबस से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है वो हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया था, और अगर आपने उसको देखा होगा और उस पर अमल किया होगा तो आप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होने वाले हैं आने वाले समय में। और अगली बात यह है कि जो सिलेबस है UG कोर्सेज के लिए, तो इसमें बताते चलें कि इस बार का जो सिलेबस है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए और बी सेक्शन में। तो जो ए सेक्शन है उसमें वही जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वर्बल रीजनिंग हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इसके साथ साथ ICT से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट बी में आपके डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके डोमेन सब्जेक्ट में आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमैथ, तो ये सब हो गया आपके डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज़ तो आसान हो गया, और बाकी सिलेबस को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगर आपने BA, BEd और BLLB जैसे एंट्रेंस एग्जाम को दिया होगा, यानी कि जिसको हम लोग पेपर 2 बोलते थे, अगर वैसे एग्जाम आपने दिए होंगे CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, मान लीजिए CUSB में ही एडमिशन के लिए, तो आपने वहाँ देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत पहले से ही। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो उस पैटर्न से भी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे
तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं सिलेबस पर पीजी की, तो पीजी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये जो भी चेंजेज और रिपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूजी कोर्सेज के लिए ही हाल फिलहाल में चेंज किए जा रहे हैं पैटर्न। और ये जो पैटर्न है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एरिया यही है कि इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट को भी बहुत ही ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आपने बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो वहाँ देखे होंगे कि जनरल मेंटल एबिलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अब हर तरह की यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी, वेरियस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी, तो उनके हिसाब से भी सिलेबस तैयार किया जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाई है तो इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो डोमेन सब्जेक्ट पे आप पूरी तरह फोकस्ड रहें, और इसके साथ ही ये जो जनरल मेंटल एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग है, इन सब पे भी ध्यान दें। और बोर्ड एग्जाम के स्कोर के वेटेज नहीं रहेंगे इस बार सीयूसीटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। अब बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका क्या क्या कट ऑफ क्राइटेरिया है इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि डीयू ने फरवरी में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था जिसमें उसने बताया था कि बोर्ड एग्जाम को वो कंसिडर करेगी। हालांकि वो सीयूसीटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके थ्रू ही एडमिशन लेगी, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम है उसका भी 50% वेटेज रहेगा, और उसके साथ ही आपके सीयूसीटी का वेटेज रहेगा। तो ये डीयू ने इस पे बहुत पहले ही कंफर्मेशन दे दिया था कि सीयूसीटी के थ्रू एडमिशन तो लेगी, लेकिन पहले जो बोर्ड एग्जाम का पूरा वेटेज रहता था अब वैसा नहीं होगा, सीयूसीटी का भी वेटेज रहेगा। तो 50-50 रहेगा ऐसा मामला डीयू का है। और जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में ये कंफर्म किया है कि वो जैसे एंट्रेंस एग्जाम लेती है जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम वैसा चलेगा, लेकिन साथ ही वो अगर सीयूसीटी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो सीयूसीटी के थ्रू भी एडमिशन लेगा। तो ये जेएनयू का नोटिफिकेशन है, जेएनयू का अपडेट है कटअप से रिलेटेड। और कटअप की बात करें तो अगर 50% स्कोर है तो आप एडमिशन पाने के एलिजिबल हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। बाकी यूनिवर्सिटीज एडमिशन के लिए अलग अलग अपना अपना कटअप तैयार कर सकती है, जिसमें वो बोर्ड एग्जाम बोर्ड के मार्क्स को भी इंक्लूड कर ले, सीयूसीटी को भी वेटेज दे। तो ऐसे 50-50 के चांसेस भी बन सकते हैं, कुछ सीटें सीयूसीटी के लिए रिजर्व कर दे, बाकी जैसे जनरल वो एंट्रेंस एग्जाम देती है वैसे कर दे। जैसे आपको याद होगा कि अगर आपने बीएचयू की बात करें तो जो अगर आपने आईसीएआर का एग्जाम दिया होगा और बीएचयू बीएससी एजी का, तो बीएससी एजी में आईसीएआर के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं। तो ऐसा पैटर्न रह सकता है कट ऑफ की अगर हम बात करें तो। बाकी अगर 50% आप ला रहे हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यह है कट ऑफ क्राइटेरिया। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम का जो डेट है ये जून लास्ट तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और जुलाई तक रिजल्ट की बात कही जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द होंगे और रिजल्ट भी जल्दी से जल्द आएंगे, ताकि जो साइकिल है एडमिशन का वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो इसके लिए अप्रैल लास्ट तक फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो अप्रैल 2021 तक फॉर्म रिलीज होने की उम्मीद है, और बाकी जो भी अपडेट आएगा सीयूसीटी से रिलेटेड हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और बाकी चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।